जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज है 19 जून और आज की 7 सबसे बड़ी भर्तियों के फॉर्म लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आपने 10th 12th डिप्लोमा या डिग्री किसी भी फील्ड से की हुई है तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया से आप कहीं मेल फीमेल कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वेरियस नंबर्स ऑफ वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी नंबर्स ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों, और क्या फीस पे रहने वाला है दोस्तों, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इस 7 वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि नए नए वीडियो जो मैं वैकेंसी से रिलेटेड डालता हूं दोस्तों वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की पहली वैकेंसी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी निकल आ रही है दोस्तों, लेक्चरर की। दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेक्चरर की उत्तर प्रदेश PCS की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। 18 जून को इसका लेटेस्ट अपडेट आया था दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं आपको। दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है दोस्तों, लेक्चरर के लिए वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो 18 जून को इसका लेटेस्ट वैकेंसी का जो अपडेट है वो दोस्तों आया है, और 15 जुलाई तक आप इसको आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए ₹125 है, SC ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ ₹65 चार्ज रखा गया है, PH के लिए ₹25 रखा गया। दोस्तों आप इस फीस को दोस्तों ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर किसी भी SBI ई चालान के जरिए भी दोस्तों आप पे कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 21 से 40 साल आपका एज लिमिट है दोस्तों। नंबर्स ऑफ पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, और अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों। नेम ऑफ पोस्ट फिजिक्स के लेक्चरर के लिए 30 वैकेंसी है दोस्तों। मास्टर डिग्री आपने रिलेटेड टू सब्जेक्ट से किया होना चाहिए दोस्तों। लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए 26 पोस्ट है दोस्तों। बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 33 पोस्ट और लेक्चरर मैथ के लिए 35 पोस्ट। दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, जनरल EWS OBC SC ST और टोटल नंबर्स ऑफ कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। फिजिक्स के लेक्चरर के लिए, केमिस्ट्री के लेक्चरर के लिए, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए अलग अलग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक की बात कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ी वगैरह जो है दोस्तों ऑनलाइन करने के बाद पे कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन एडिट या मॉडिफाई करना है तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। PDF का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, और वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। दोस्तों ये वैकेंसी जो है उत्तराखंड की तरफ से है दोस्तों, उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी की वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। 18 जून को इसका अपडेट आया था मेरे प्यारे दोस्तों, और उत्तराखंड SSC सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी है दोस्तों, लेखपाल और पटवारी की वैकेंसी है दोस्तों। नंबर्स ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो लगभग 513 पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों, और इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो 22 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 22 जून से, और 5 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं दोस्तों इसका 5 अगस्त तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, जनरल OBC EWS के लिए ₹300 चार्ज है, और SC ST के लिए सिर्फ ₹150 चार्ज है दोस्तों। आप इस फ़ी को भी आसानी से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या और भी दोस्तों ऑनलाइन मोड से आप इसे पे कर सकते हैं दोस्तों। मिनिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 21 साल है, और पटवारी के लिए मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है दोस्तों, और लेखपाल के लिए 35 साल है मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों। अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों दो पोस्ट यहाँ निकला है दोस्तों, उसके लिए अलग अलग सीट और अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों। पटवारी के लिए 366 पोस्ट है दोस्तों। बैचलर डिग्री आप हैं कहीं से भी और किसी भी एक्सट्रीम से तो आप इसे आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। लेखपाल के लिए 147 पोस्ट है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट लिंक की बात कर लेते हैं तो 22 तारीख से इसका लिंक अब एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप उसके बाद आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद की वैकेंसी जो है वो PGCIL
NR UP लखनऊ डिप्लोमा ट्रेनी के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। 18 तारीख को इसका भी जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया दोस्तों, पावर ग्रिड की ये वैकेंसी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो 18 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और आप इसे 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC और EWS के लिए दोस्तों 300 रुपये रखा गया है। SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है दोस्तों, आप इस फ़ी को भी ऑनलाइन किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई चालान के जरिए पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो मिनिमम एज लिमिट जो है वो कोई नहीं है क्योंकि ट्रेनी की वैकेंसी है दोस्तों, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 ईयर्स रखा गया है दोस्तों। टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 20 पोस्ट है अलग अलग। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा सिविल वालों के लिए पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ दोस्तों, OW UR के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए दोस्तों, SC ST और टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसी है दोस्तों। डिप्लोमा के लिए ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांग रहा है, विथिन 70% आपका मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, नोएडा, कानपुर और बरेली है दोस्तों। अरे दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट लिंक की बात कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और चलते हैं हम अगली वैकेंसी की तरफ। ये मेरा जो वैकेंसी निकल के आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है आपका विद्युत सहायक की जो वैकेंसी है दोस्तों, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी है दोस्तों। 18 जून को इसे अपडेट किया गया है और 352 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो आपका स्टार्टिंग डेट जो है वो 18 जून है और लास्ट डेट जो है 8 जुलाई है दोस्तों। इसके बीच आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो योर SEBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपया चार्ज रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों आपका 250 रुपया फ़ी रखा गया है दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अपर एज लिमिट जो है योर के लिए 35 साल है दोस्तों। अपर एज लिमिट EWS, SC ST और SEBC के लिए 40 साल रखा गया है दोस्तों। क्वालिफिकेशन यहाँ पर BE BTEC इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल से आपने किया तो आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि आपको आसान इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज का जो है दोस्तों नॉलेज होना चाहिए। विद्युत सहायक और विद्युत सहायक इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है दोस्तों यहाँ पर। चलते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी की तरफ, और ये अगली वैकेंसी निकल के आ रही है आपका PSPCL की तरफ से दोस्तों। PSPCL की तरफ से ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है दोस्तों, वेरियस वैकेंसी है दोस्तों। 18 जून को इसका भी अपडेट आया है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। लगभग 2632 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। 2600 पोस्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 944 रुपये आपका ऑल कैटेगरीज के लिए रखा गया है दोस्तों, और SC और PWD कैंडिडेट के लिए 590 रुपये चार्ज है दोस्तों। आप इस फीस को दोस्तों ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग डेट जो है वो चेंज किया गया है दोस्तों, 11/6 इसका स्टार्टिंग डेट है, और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग का डेट हो दोस्तों 25 जुलाई तक है दोस्तों। 25 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। 18 साल इसका मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम 37 साल है दोस्तों। अलग अलग नंबर्स ऑफ पोस्ट के लिए, टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब अलग अलग दोस्तों। नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे देखिए BCOM या MCOM होना चाहिए दोस्तों। रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए और क्लर्क के लिए दोस्तों यहाँ पर 549 पोस्ट है। एनी डिग्री आप किसी भी फील्ड से अगर आपने डिग्री किया दोस्तों तो वहाँ से आसानी भर सकते हैं। और टेक्निकल के लिए देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए और BE BTEC होना चाहिए दोस्तों। AMI से भी आपने किया है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को दोस्तों। ALM के लिए 1700 पोस्ट है और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए दोस्तों 249 पोस्ट है, 290 पोस्ट है सॉरी दोस्तों। इसका लिंक जो है यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तों। चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ दोस्तों, ये आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से, ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी 57th SSC मैन और 28th SSC वुमेन के लिए 191 पोस्ट के लिए नंबर्स ऑफ वैकेंसी है दोस्तों। 26
5 को इसका पोस्ट अपडेट किया गया दोस्तों। अब इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ दोस्तों। देखिए आपका आवेदन जो है दोस्तों 23/6 तक लास्ट डेट है इसका दोस्तों, लास्ट डेट इसका 23/6 है दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो 57th मैन के लिए जो है 20 से 27 साल रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट की बात 35 साल की गई है दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आपने अगर इंजीनियरिंग से डिग्री की हुई तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं दोस्तों, और नॉन टेक्निकल वालों के लिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से मांगा हुआ है यहाँ दोस्तों, और एसएससी और एसएससी सीडब्ल्यू के लिए टेक्निकल के लिए दोस्तों बीई या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री या से आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप भर सकते हैं दोस्तों। मैन वुमेन के लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर, और भी देख सकते हैं दोस्तों विधवा के लिए अलग से, मतलब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई और एक एक पोस्ट के लिए छूट दिया गया दोस्तों। इसका इसके लिए भी आवेदन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चलते हैं हम लास्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। ये सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर की दोस्तों ये वैकेंसी है, सिर्फ 25 नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी है। 18 तारीख को इसका भी अपडेट आ चुका है दोस्तों। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए ये वैकेंसी पब्लिश की गई है। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व ओबीसी और मेल के लिए 400 रुपीज़ चार्ज किया गया है। एससीएसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, सॉरी एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 35 साल इसका एज लिमिट है। और लास्ट डेट जो है दोस्तों आपका ऑफलाइन पे कर ऑफलाइन इस फॉर्म को फिलअप करना है, और कह रहा है कि 29/7 से पहले आपको फॉर्म जो है फिलअप करके वो एड्रेस पर भेज देना है दोस्तों। चलिए आगे हम बताते हैं आपको, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की गई दोस्तों, हाइट चेस्ट और वेट की बात की है यहाँ पे। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए दोस्तों, 81 सेंटीमीटर जो है वो आपका चेस्ट होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 86 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका जो है दोस्तों वो फूलने के बाद होना चाहिए एक्स्ट्रा दोस्तों। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट है, और बाकी जो है आपका वेट और चेस्ट नॉट अप्लीकेबल है दोस्तों यहाँ पर। वैकेंसी के डिटेल में आने के बाद दोस्तों, असिस्टेंट कमांडर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पर। योर के लिए 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है दोस्तों, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों वैकेंसी के साथ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।